नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सलोनी शर्मा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन में। बिजनौर के नजीबाबाद में पुलिस ने किन्नर की हत्या की साजिश रच रहे 5 अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार हुए 5 अभियुक्तों में से एक किन्नर भी शामिल है। बधाई मांगने को लेकर नाराज एक दूसरे से किन्नर ने एक किन्नर की हत्या की साजिश रच डाली और 3 लाख में बदमाश हायर किए, मगर किसी तरह घटना होने से पहले पुलिस को भनक लग गई। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। आज दिनांक 1 जनवरी 2024 को सुबह नजीबाबाद पुलिस द्वारा एक मर्डर को प्रिवेंट किया गया है। इसमें नजीबाबाद पुलिस द्वारा 5 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें से प्रिंस तोमर, शाहनवाज, मेहरुद्दीन, नितिन एवं नैना किन्नर शामिल हैं। नैना किन्नर का बधाई मांगने को लेकर हिना किन्नर के साथ विवाद था। नैना किन्नर ने 2 लाख रुपए की सुपारी प्रिंस तोमर और उसके साथियों को दी थी। इनका प्लान था कि हिना किन्नर, जो कि सुबह 5:30-6 बजे मस्जिद में नमाज पढ़ने जाती है, उसको रास्ते में उसको हत्या करने का इनका प्लान था। इस प्लान को आज पुलिस ने विफल किया है। इनके पास से 2 अवैध तमंचे 315 बोर, 8 जिंदा कारतूस 315 बोर, 1 देसी बंदूक 12 बोर, 1 मोटरसाइकिल, 1 स्कूटी, 6 मोबाइल फ़ोन, 1 चाकू बरामद किया गया है। टीम के इस कार्य के लिए उत्साहवर्धन हेतु मेरे द्वारा 15,000 रुपये इनाम की घोषणा की जाती है। आवश्यक बधाने कार्रवाई प्रचलित। थैंक यू। यूपी के पीलीभीत जनपद में केंद्र सरकार द्वारा लाए गए नए हिट एंड रन का संशोधित कानून के खिलाफ ड्राइवरों ने मोर्चा खोल दिया है और मौजूदा सरकार और नए कानून के खिलाफ चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पीलीभीत में भी कई स्थानों पर इसका बड़ा असर देखा जा रहा है। पुरनपुर तहसील के घुंगचाई चौराहा नेशनल हाईवे पर दूसरे ही दिन ड्राइवरों ने केंद्र सरकार के नए संशोधित कानून हिट एंड रन को लेकर चक्का जाम कर दिया और केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर नए कानून को वापस करने की मांग कर रहे हैं। वहीं पीलीभीत शहर के नौगवां चौराहे पर भी ड्राइवर वाहनों को रोक रहे हैं। इतना ही नहीं, जो निजी वाहन से लोग निकल रहे हैं उनको भी ड्राइवर रोक रहे हैं, जिससे आवागमन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। लोगों को समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है। कासगंज में निर्माण कार्य रोके जाने से नाराज युवक ने खुदकुशी का प्रयास किया। युवक ने पुलिस के सामने खुदकुशी का प्रयास किया है। पीड़ित युवक दूसरे पक्ष द्वारा जमीन पर निर्माण कार्य को रोके जाने से नाराज था, जिसको लेकर युवक ने ये कदम उठाया है। वहीं पुलिस ने युवक को पकड़कर खुदकुशी से रोक लिया। पुलिस दोनों पक्षों को थाने में बैठाकर पूछताछ में जुटी है। मामला थाना सिकंदरपुर क्षेत्र के गांव बहरोजपुर का है। संभल में मदरसा संचालक ने सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने को थाने में तहरीर दी है। एसपी सांसद पर भड़काऊ बयानबाजी कर माहौल खराब करने का आरोप लगाया गया है। अयोध्या के राम मंदिर पर कोर्ट के आदेश के खिलाफ सपा सांसद डॉक्टर बर्क पर बयानबाजी करने का आरोप है। संभल जिले के तहसील संभल के गाँव मऊभूड़ में मदरसा मौलाना मोहम्मद अली जौहर के मैनेजर फिरोज खान ने जिले के नखासा थाना में एसपी सांसद डॉक्टर बर्क के खिलाफ मकोका के तहत रिपोर्ट दर्ज कराने को तहरीर दी है। शिकायतकर्ता मैनेजर ने सपा सांसद पर संभल की जनता को गुमराह करने और सांप्रदायिकता फैलाने जैसे तमाम गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं सांसद के नाम पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। फिरोज खान ने कहा है कि सपा सांसद देश का माहौल खराब करना चाहते हैं, यही नहीं धार्मिक उन्माद फैलाना चाहते हैं। ऐसे में उनके खिलाफ देशद्रोह और मकोका के तहत कार्रवाई की जाए। मैं मदरसा मौलाना मोहम्मद अली जौहर का प्रबंधक हूँ, एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। क्या घटना हुई जो आज नखासा थाने आप तहरीर देना है? ये 8 लोकसभा सांसद संभल डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क, ये धार्मिक उन्माद फैलाने के उद्देश्य से सुनियोजित तरीके से देश के माहौल को खराब करना चाहते हैं, देश की एकता अखंडता को प्रभावित करना चाहते हैं, देश में गंगा जमनी तहजीब आपसी सद्भाव भाईचारे को खंडित करना चाहते हैं और इसी की वजह से ये गलत बयानबाजी कर रहे हैं डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क। हिट एंड रन कानून को लेकर उत्तराखंड परिवहन महासंघ ने बड़ा ऐलान किया है। महासंघ ने 3 जनवरी तक कानून को वापस नहीं किए जाने पर चरणबद्ध तरीके से अपने आंदोलन को उग्र करने की चेतावनी दी है। बता दें कि उत्तराखंड परिवहन महासंघ के अध्यक्ष सुधीर राय की अध्यक्षता में राज्य के तमाम परिवहन संस्थाओं से जुड़े पदाधिकारी ऋषिकेश में बैठक करने के लिए पहुंचे। बैठक में सभी पदाधिकारियों ने केंद्र सरकार के द्वारा हिट एंड रन कानून का विरोध किया।
वहीं उत्तराखंड परिवहन महासंघ ने निर्णय लिया कि 3 जनवरी तक यदि सरकार ने इस काले कानून को वापस नहीं लिया तो महासंघ चरणबद्ध तरीके से अपने आंदोलन को सरकार के खिलाफ उग्र करेगा। केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए हिट एंड रन कानून के विरोध में बस और ट्रक चालकों की यूनियनों ने जमकर प्रदर्शन किया। सहारनपुर में जिला सहारनपुर ड्राइवर कंडक्टर यूनियन सहारनपुर के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने अपने केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए हिट एंड रन कानून के विरोध में जमकर प्रदर्शन किया और एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि भारत सरकार द्वारा एक कानून पास किया गया है जिसमें ड्राइवर द्वारा एक्सीडेंट करने पर 10 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। कोई भी ड्राइवर जानबूझकर एक्सीडेंट नहीं करता है, अचानक हादसा हो जाता है। जो कानून लागू किया गया है उससे ड्राइवर में भारी रोष व्याप्त है। बिजनौर के नजीबाबाद में कोटद्वार रोड पर हिट एंड रन के नए कानून को लेकर नारेबाजी की गई। वहीं कुछ सब्जी आदि का सामान लेकर आ रहे मिनी मेट्रो चालकों को भी रोका गया। बिजनौर के नजीबाबाद के ड्राइवरों ने हड़ताल की। वहीं नए कानून को लेकर ड्राइवरों में काफी रोष देखने को मिल रहा है। कई जगहों पर ड्राइवरों ने कुछ टैक्सी साथ ही कुछ आने जाने वाले लोगों को रोका और गाड़ियों को खड़ा करवा दिया। ड्राइवरों का कहना है कि वो अक्सर सड़कों पर हादसे होते रहते हैं, किसी की लापरवाही तो किसी की बदनसीबी से। हादसे के बाद जो 10 लाख का जुर्माना सरकार ने रखा है वो 5 से 7 हजार कमाने वाला ड्राइवर कहाँ से लाएगा। सरकार के इस कानून से ड्राइवरों में आक्रोश है और सरकार से सभी ने अपील की है कि कानून को वापस लिया जाए। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने जीएसटी कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि बिल लाओ इनाम पाओ योजना इसलिए चलाई गई थी जिससे कि सरकार के राजस्व में बढ़ोतरी हो, लोग जीएसटी के प्रति जागरूक हो, कालाबाजारी पर रोक लगे। इस समय हर महीने करीब 1,500 लोग जीएसटी के तहत इनाम ले रहे हैं। दिसंबर महीने में 61 करोड़ के बिल जीएसटी की वेबसाइट पर लोगों ने अपलोड किया है जिसमें एक 13 साल का बच्चा भी इनाम लेने के लिए कार्यालय में पहुंचा है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि टैक्स चोरी को रोकने के लिए लोगों में अब जागरूकता आने लगी है। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि हाल ही में 5 करोड़ का ऐसा माल भी अधिकारियों ने पकड़ा है जो टैक्स चोरी करके लाया जा रहा था। झांसी के थाना गुरसराय में कुछ दबंगों द्वारा एकजुट होकर रात में एक गरीब परिवार का खेत उजाड़ कर हरे भरे पेड़ को काट कर खंभे और तार लगाकर कब्जा करने की कोशिश की गई। पीड़ित किसान द्वारा विरोध करने पर दबंग लोग खेत मालिक को धमकाने लगे जिसकी शिकायत पुलिस द्वारा थाना गुरसराय और उच्च अधिकारियों से की गई। तो गुरसराय पुलिस ने अपराधियों के साथ साथ पीड़ित का भी धारा 151 में चालान कर दिया। वहीं पीड़ित परिवार ने तहसील प्रशासन पर भी आरोप लगाया है कि विगत 2 दिनों से उसे तहसील में बुलाकर दिन भर बैठाया जाता है और दबंग खेत की फसल उजाड़ रहे हैं। पीड़ित परिवार ने पुलिस पर पैसे लेकर कब्जा करने का भी आरोप लगाया है। झांसी में नए कानून को लेकर ट्रक ड्राइवरों ने हड़ताल कर झांसी कानपुर हाईवे पर जाम लगा दिया। साथ ही सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया जिसको पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद खुलवाया। बता दें कि सड़क दुर्घटना को लेकर बनाए गए नए कानून से ट्रक ड्राइवर काफी नाराज हैं। बनाए गए कानून में बदलाव की मांग को लेकर सभी जगह ट्रक ड्राइवर हड़ताल पर चल रहे हैं। ट्रकों के पहिए जाम होने से सड़कों पर भारी जाम लगा हुआ है। बहराइच में दुर्घटना कानून के नए प्रावधान को बदल जाने की मांग को लेकर रोडवेज प्राइवेट बस और ट्रक चालकों ने अपनी मांगों के समर्थन में चक्का जाम रखा है जिसके कारण दूर दराज क्षेत्रों के सफर करने वाले यात्रियों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। यात्री साधन की तलाश में सुबह से ही इधर उधर भटकते रहे। हड़ताल के चलते 2 दिनों से पेट्रोल पंपों पर फ्यूल ना आने से जिले के कई पेट्रोल पंप पर तेल खत्म हो गया जिसको लेकर हर तरफ अफरा तफरी मची रही। साथ ही यह अफवाह भी फैला दी गई कि कुछ पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल और डीजल कुछ ही बचा है, अब कोई कई दिनों तक यहाँ तेल नहीं मिलेगा। यह अफवाह जंगल की आग की तरह पूरे जिले में फैल गई।
वाहन स्वामी अपनी अपनी गाड़ियों में पेट्रोल और डीजल भरवाने के लिए पेट्रोल पंपों की ओर दौड़ पड़े और देखते ही देखते हर जगह दो पहिया, चार पहिया और ट्रैक्टरों की लंबी कतारें लगना शुरू हो गया। भीड़ के कारण हर जगह अफरा तफरी का माहौल बना रहा। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।